MatePad Pro 11 यह हुआवे की तरफ से पहला टैब है जो ऐसा बताया जा रहा है कि सैटेलाइट नेटवर्क से रन करेगा। इस तरह कोई न्यूज निकल के आ रही है, लेकिन फोन में कौन सा है कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था और किसने किया था? अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं, जब नासा नहीं बना था, बस US गवर्नमेंट था, उस वक्त 4 अक्टूबर 1957 को पहला सैटेलाइट बनाया गया था। इस तरह की कोई न्यूज निकल के आ रही है, आपको यह चीज पता था कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे हैं टेकवॉक्स। मॉर्निंग में काफी जबरदस्त वीडियो डाल दिया, जाके जरूर देखिए। बात करते हैं पोल। हमने आपसे पूछा था कि कौन सा फोन आपको बेस्ट लगता है, बहुत पहले पूछा था। कल हमने पोल डालना भूल गया क्योंकि भैया हम ट्रेन में थे, इतने थके हुए थे कि रात में आके सो गए और पोल डालना ही भूल गए, इस वजह से ऐसा कुछ हो गया है। लेकिन आप टेक न्यूज़ कंटिन्यू मिलेगा क्योंकि हम अपने सेटअप पे आ गए हैं। तो बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था बहुत इंटरेस्टिंग पोल बहुत पहले, इसलिए हमने उठा के अभी बता दिया है कि आपको कौन सा फ़ोन बेस्ट लगता है। 61% लोगों ने कहा कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन बेस्ट लगता है, 26% लोगों ने कहा कि भैया हमें नॉर्मल फ़ोन बेस्ट लगता है, और कुछ 6% लोग ऐसे हैं जिनको वाटरप्रूफ फ़ोन चाहिए। कौन है ये लोग? आप इनमें से बिलोंग करते हैं वाटरप्रूफ, कर्व या फिर फलाना ढिमकाना कुछ भी, कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए पहली अपडेट के तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं, अगर आप त्राज होटल में रुके थे कभी भी अपने लाइफ में, तो 15 लाख यूजर का डेटा लीक हो गया है ताज होटल का। इस तरह की कोई न्यूज निकल के आ रही है जिसमें एटीएम कार्ड, क्रेडिट क्रेडिट जितने भी तरह के कार्ड होते हैं, सबका नंबर इंक्लूडिंग आपका फोन नाम सब कुछ, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, लीक हो चुका है। अच्छा हुआ भैया हम गुलगानी होटल में ही रुकते थे, मैं गरीब हूँ, 15 रुपया एक रात का, अच्छा लगता है, समझ रहे हो। खैर ताज होटल में किसने रुका है कमेंट में जरूर बताइए। बात करते हैं रील की, मतलब इंस्टाग्राम के। इंस्टाग्राम रील में अब क्या हो गया है कि भैया कोई भी वीडियो पसंद आए, कच्चा बादाम हो या पक्का बादाम हो, सबको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह ही कुछ अपडेट है। वैसे आप रील आज तक डाउनलोड किए, आप में से कितने लोग रील लवर्स है कमेंट में जरूर। चलिए बात करते हैं डीप फेक की। राजीव चंद्रा जो है, इन्होंने एक अनाउंसमेंट जारी किया है कि भैया जितने भी तरह के कंपनी है, मीडिया कंपनी है, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जितने भी तरह के हैं, 7 दिन का मोहलत दिया गया है कि भैया कोई भी डीप फेक वाला वीडियो अगर डालता है तो पहले उस व्यक्ति को पकड़ने से पहले कंपनी का हिसाब खराब हो जाएगा। मजा आया। इस तरह की न्यूज निकल के आ रही है, ये चीज आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। चलिए बात करते हैं क्रोमा की। ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है, तो जाइए खरीदिए और बाय करिए और बताइए। 24 से 26 तक का चलेगा, बहुत भारी डिस्काउंट है। ओप्पो रेनो जो 8 वगैरह था, 80 बहुत ही भारी डिस्काउंट, 12,000 मिल रहा है कर्व डिस्प्ले के साथ, एमोलेड फलाना ढिमकाना सब कुछ ले लीजिए। वहीं बात करते हैं अब जीपे की, मतलब गूगल पे की। तो गूगल पे भैया आपसे पैसा लेना शुरू कर दिया, मतलब अगर आप रिचार्ज ऑनलाइन रिचार्ज वगैरह करेंगे 500 से ऊपर तो उसमें 3 रुपए का टैक्स लगेगा। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं आज, आप कहां से रिचार्ज वगैरह करते हैं कमेंट में। चलिए बात करते हैं गूगल मैप की। गूगल मैप में एक नया तरह का फीचर्स आया है जिससे कोई भी फेक रिव्यू किसी प्लेस का डाला हुआ है तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा, मतलब वो रिव्यू को हटा दिया जाएगा। इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आ रही है। वहीं बात करते हैं डायमेंसिटी 9300 का BGMI ग्राफिक टेस्ट आ गया है, जिसके हिसाब से ये पता चल रहा है कि HDR अल्ट्रा जो है इसमें सपोर्ट नहीं करता है। अगर कोई भी गेमिंग लवर है और ये फोन मतलब इस प्रोसेसर के साथ कोई भी फ़ोन ले रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि HDR अल्ट्रा इसमें सपोर्ट नहीं करता। इस तरह के कुछ अपडेट है। आपके फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर है कमेंट में जरूर। चलिए बात करते हैं एप्पल की। वॉच अल्ट्रा का सस्ता वाला वेरियंट आने वाला है। एप्पल बोल रहे हैं कि भैया इस बार हम ले आएंगे, सस्ते लोग भी यूज़ कर सके। बात तो सही है कि नियम नहीं देख सकते हमारे औकात के बाहर, मैं गरीब हूँ। हर बहुत तो आपके सवाल लेने का, तो VIP जी का बहुत ही इंटरेस्टिंग VIP वाला सवाल है, Realme 10 Pro Plus को मैंने कैसे कस्टमाइज किया है। इस पे हमने एक डिटेल वीडियो किया हुआ है, ऑप्टिमाइज कैसे करने का, वही कस्टमाइज है, आप कर लीजिए। वैसे वॉलपेपर वाला भी अलग अलग वीडियो है हमारे Realme 10 Pro Plus का, प्लेलिस्ट में जाइए, जिस तरह का वीडियो चाहिए सब आपको मिलेगा, तो स्टे ट्यून करिए और सब्सक्राइब करके। चलिए बात करते हैं अब Redmi की। Redmi का K70 ये जो फोन है, ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें 1.5K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जिसमें 1800 nits पीक ब्राइटनेस और 9020 हर्ट्ज का P2WM डिमिंग टेक्नोलॉजी पे आएगा ये। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। वहीं बात करते हैं Redmi Note 13 सीरीज, इंडिया में बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। 16GB रैम सबसे हाईर वेरिएंट रहेगा, मतलब 35-40 हज़ार रुपये इस बार सटेगा ऐसा लग रहा है।
जी आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। वहीं बात करते हैं 2024 का कुछ प्लान, तो ऐसा बताया जा रहा है कि Redmi का K70, Bud 5 Pro, Watch 4 और भी इनका कुछ सीरीज वगैरह है जो लॉन्च होगा 2024 में। इसकी टीजर आई है जो आप देख सकते हैं, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। बात करते हैं Realme GT 5 Pro 7 अक्टूबर को लॉन्च होगा चाइना में, उसके बाद इंडिया में देखिए दिख जाए तो मजा आ जाएगा, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। चलिए बात करते हैं Samsung की। Samsung का A05 ये फोन जो है लॉन्च हो गया है Helio का G85 प्रोसेसर के साथ, 50+2 का रियर कैमरा, 8 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी, 9999 रुपए इसका प्राइस है। लेंगे आप 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले वगैरह नहीं है, नॉर्मल डिस्प्ले है। अगली खबर भी आ रही है Samsung की, तो ऐसा बताया जा रहा है Samsung थोड़ा मजाक कर दिया, Samsung का One UI 6.0 ये जो है थोड़ा सा मजाक कर दिया किसके साथ, Samsung Galaxy S23 Ultra के साथ। अपडेट के बाद मून मोड गया तेल लेने, मतलब मून मोड से फोटो खींच रहे तो हमारे फोन में जैसा फोटो आता उसी तरह का आ रहा। अब आप क्या करेगा Samsung, इसको फिक्स करेगा या नहीं, कमेंट में शुरू है। वही बात करते हैं Samsung का A34 को मिल गया Android 14 का अपडेट, तो आपके पास है तो करिए। वैसे आपके पास Samsung का कोई फोन आपने कभी यूज किया या कर रहे हैं या आपके घर में है, कमेंट में। चलिए बात करते हैं iQOO न्यू 9 की। इसका फर्स्ट लुक देखा जा रहा है, डुअल बड़ा बड़ा कैमरा नजर आ रहा है जो काफी जबरदस्त लग रहा है। वही बात करते हैं OnePlus 12 का, तो 3 कलर पे आएगा, व्हाइट, ग्रीन और ब्लैक, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, लेकिन फोन नहीं दिखा, सिर्फ पेपर दे दिए ये लोग, क्या करेंगे, लीक करेंगे पेपर, कमेंट में। चलिए बात करते हैं Honor 100 और 100 Pro की। 100 जो है 29,000 का है, मतलब 30,000 का है, और 100 Pro जो है भैया 46,000 का है, 46,000 का है। बात करते हैं क्या मिलता है। सबसे पहले Honor 100 की Snapdragon 7 जनरेशन 3 वाला प्रोसेसर, 10+12 का रियर कैमरा, 32 का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 120Hz का कर्व डिस्प्ले। वहीं बात करते हैं प्रो सीरीज की, तो इसमें 8+Gen 2 वाला प्रोसेसर, यहाँ पर जो कैमरा है 50, 12 और 10 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 32 का सेल्फी, 5000 mAh के और सेम डिस्प्ले। आपको कैसा लगा इस प्राइस में ये फोन, कमेंट में जरूर। चलिए बात करते हैं इन्फिनिक्स की। इन्फिनिक्स का दो जबरदस्त फोन, इन्फिनिक्स का स्मार्ट 8 HD ये जो है 8 या 7 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है, इसी का यूनिसॉक का प्रोसेसर के साथ। वही बात करते हैं इन्फिनिक्स का नोट 40, ये भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, फर्स्ट लुक वगैरह देख सकते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए, और आपकी क्या राय है हमारे टेक न्यूज के रिलेटेड कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों हमारा थोड़ा हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कल एक जबरदस्त वीडियो आ रहा है उसके लिए स्टे ट्यून करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता चले अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।